नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंड न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों, काफी चर्चा का विषय है कि क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए अब सबको क्या पैसे देने होंगे। तो इसी खबर को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए चलते हैं इस पूरी खबर की तरफ। दोस्तों, याद दिला दें कि फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अपने पोस्ट में कहा था कि कंपनी 2024 तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किसी भी तरह के रेवेन्यू शेयरिंग पर रोक लगा देगी। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि हम 2024 तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सभी रेवेन्यू शेयरिंग पर रोक लगा देंगे। इसमें पेड ऑनलाइन इवेंट, सब्सक्रिप्शन, बैच और बुलेटिन भी शामिल है। साथ ही अपने दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए पैसे कमाने के लिए नए तरीकों का भी ऐलान किया था उन्होंने। और अब ऐसे में एक रिपोर्ट के हिसाब से मेटा प्लेटफॉर्म इंक जल्द अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर ऐसे ही फीचर्स ला रहा है, जी हाँ, जिसके लिए यूजर्स को पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। मतलब ये है कि आप जब एडवांस फीचर्स का उपयोग करना चाहते हैं तब आपको पे करना होगा इन फीचर्स के लिए, अदरवाइज नहीं। फिलहाल आपको जानकारी के लिए बता दें कि कुछ समय पहले तीनों ऐप्स, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को मिलाकर एक कंपनी बनाई गई जिसे मेटा नाम दिया गया। और तब से ये मेटा कंपनी ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक को एग्जीक्यूट और कंट्रोल करने का काम कर रही है। जी हाँ, मेटा ने यह घोषणा की है कि वह अब इन तीनों ऐप्स के लिए पेड सर्विसेज लाने वाला है। कहने का मतलब है कि मेटा यूजर्स से कुछ पैसे लेकर उनको एडवांस फीचर देगी। इसके लिए कंपनी एक नया प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप भी कर रही है जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर पेड फीचर्स के लिए काम करेगा। जी हाँ, आपको बता दें ये कोई नई बात नहीं है। जब किसी सोशल मीडिया कंपनी जैसे कि ट्विटर हो या फिर स्नैपचैट, ये अपने यूजर्स को पेड सर्विसेज ऑफर करती आ रही है। इससे पेड सर्विसेज में यह एप्स यूजर्स को ट्विटर ब्लू और स्नैपचैट प्लस के नाम से सर्विस देती है। जी हाँ, यहाँ पर कंपनी अपने यूजर्स को बहुत से एक्सक्लूसिव फीचर्स देती है। स्नैपचैट ने स्नैपचैट प्लस सब्सक्रिप्शन सर्विस के लिए यूजर्स को 49 रुपए महीना कंपनी को पे करना होता है, तो वहीं ट्विटर ब्लू यूजर्स को लगभग 400 रुपए प्रति माह देने पड़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि जग जाहिर है कि सोशल मीडिया एप्स जैसे कि ट्विटर, स्नैपचैट और मेटा का रेवेन्यू ज्यादातर डिजिटल एड्स जो कि यूजर्स द्वारा ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए चलाए जाते हैं और इसी से उन्हें आता है। तो ऐसे में मेटा पेड फीचर्स यूजर्स को प्रोवाइड करके बिना एड्स के भी अपना रेवेन्यू निकाल पाएंगे, कुल मिलाकर रेवेन्यू पाने का एक और तरीका। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या है ये पूरी खबर। तो अब घबराइए नहीं, आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने के लिए पैसे नहीं देने होंगे, बल्कि जब आप एडवांस फीचर्स का यूज करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको पेड करना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।